कैट एग्जाम के वर्बल सेक्शन में परसेंटाइल इंप्रूव करनी है, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। टाइम आ चुका है कि अब आप टारगेट्स मेजर करके मूव करो आगे, एंड अलॉन्ग विद योर प्रेपरेशन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दोस ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू इंप्रूव योर परसेंटाइल। सो सबसे पहले अपना टारगेट समझ लेते हैं। वर्बल पेपर पे 40 मार्क्स पे आप अराउंड 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे, 45 मार्क्स पे 99.5 प्लस एंड 50 मार्क्स पे 99.8 प्लस, 30 मार्क्स से ऊपर लाओगे तो 95 प्लस आ जाएगा। ऑब्वियसली ये डिफर हो सकता है बट यूजली यही ट्रेंड देखा गया है। सो आपका टारगेट डेफिनेटली 99 परसेंटाइल के ऊपर होना चाहिए, विच मीन्स वी हैव टू स्कोर अबव 40 मार्क्स फॉर श्योर। एंड कैट पेपर में 24 क्वेश्चंस होते हैं, 72 मार्क्स का पेपर होता है, विच मीन्स आपको अगर ये स्कोर टारगेट करना है यू हैव टू गेट एटलीस्ट लाइक 16-17 आप टारगेट करोगे कि करेक्ट हो जाए आफ्टर नेगेटिव एज वेल, फिर आपका स्कोर 40 के ऊपर रहेगा। सो हमारा टारगेट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम 16-17 क्वेश्चंस रहेगा। एंड इस वीडियो में मैं कवर करूंगा 3 चीज़ें। फर्स्ट है सिलेबस एंड फोकस एरिया, सेकंड है आपका रिसोर्सेज एंड यहाँ मैं एक सरप्राइज रिसोर्स भी बताऊंगा, एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द वर्बल प्रेपरेशन एंड अटेम्प्टिंग द वर्बल पेपर। फर्स्ट दो जो चीज़ है वो ऑब्वियसली काफ़ी जेनरिक है, आपको काफ़ी लोग भी बता सकते हैं, बट थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू फोकस ऑन दैट बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ स्कोरिंग इन द वर्बल पेपर। सो सिलेबस में इंक्लूडेड है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजम्बल्स, पैरासमरी, ऑड वन आउट एंड सेंटेंस कंप्लीशन। एंड अगर आप स्प्लिट देखो क्वेश्चंस का तो 16 क्वेश्चंस कम फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड 8 क्वेश्चंस कम फ्रॉम द अदर टॉपिक्स। सो आप समझ सकते हो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी कर लो देन ऑल्सो यू कैन गेट 99.5 प्लस परसेंटाइल, बट ऑब्वियसली आप 100% एक्यूरेसी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आरसी में, सो यू हैव टू अटेम्प्ट द अदर क्वेश्चंस एज वेल। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज आरसी डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आप अगर बस आरसी भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, जो लॉजिक आरसी के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होता है वही सेम लॉजिक आप उसे आप पैरा समरी भी कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो डू सेंटेंस कंप्लीशन। सो ऑलमोस्ट आरसी से आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऐसे ही कवर हो जाएंगे। तो अगर आप एक टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है वर्बल में, दैट इज़ कंप्लीट फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद आते हैं रिसोर्सेज में, एंड यहाँ पर हमेशा एक बात याद रखना, वर्बल पेपर इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ अगर आपकी अच्छी इंग्लिश है इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्बल पेपर में अच्छा स्कोर कर लोगे, या फिर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्बल पेपर में नहीं स्कोर कर पाओगे। इट इज़ मोर अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश, इसलिए ही उसको वर्बल एबिलिटी बुलाया जाता है। तो रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, इसको मैं 3 वेज में डिवाइड करूँगा। एक होता है आपका रीडिंग रिसोर्सेज, सेकेंड होता है आपका थ्योरी के रिसोर्सेज, एंड थर्ड होता है आपके प्रैक्टिस रिसोर्सेज। सो रीडिंग के रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको डेवलप करना पड़ेगा वो हैबिट टू रीड लॉन्ग पैराग्राफ्स एंड कीप एवरीथिंग इन माइंड। सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है कि आप कितना इन्फॉर्मेशन रिटेन कर पा रहे हो वंस यू रीड अ पैराग्राफ। इंग्लिश ऐसी कोई बहुत हाई लेवल नहीं रहती है कैट के पैसेजेस की, सो ऐसा नहीं है कि आप वर्ड्स नहीं समझ पाओगे, आप ओवरऑल पैसेज तो समझ जाओगे बट यू हैव टू रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन। उसके लिए आपको रीडिंग शुरू करना पड़ेगा, एंड उसके लिए बेस्ट होता है न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स। मैं रेकमेंड करता हूँ हिंदू के एडिटोरियल्स बहुत अच्छे हैं, वो आप डेफिनेटली रीड करो। उसके साथ साथ आप मे बी कोई एक बिजनेस न्यूज़पेपर उठा सकते हो बिकॉज हिंदू सारे जॉनर तो कवर कर लेता है बट बिजनेस नहीं कवर करते हैं उसके एडिटोरियल्स। तो आप मे बी मिंट या फिर इकोनॉमिक टाइम्स जैसे कोई एक पेपर उठा सकते हो जिससे आपका बिजनेस एस्पेक्ट भी कवर हो जाएगा, एंड आप इन दोनों पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो। इसके साथ आप ऑब्वियसली आरसी के पैसेजेस तो प्रैक्टिस करोगे, वहाँ भी बहुत रीडिंग हो जाती है। काफ़ी लोग काफ़ी वेबसाइट रेकमेंड करते हैं टू रीड आर्टिकल्स बट वो थोड़े हाई लेवल होते हैं, एंड आई थिंक इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर कैट। मे बी जीमैट का प्रिपरेशन करोगे तो आप वो यूज़ कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आपको बुक्स तो नहीं पढ़ना है इस टाइम पे। अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट डोंट रीड इट फॉर कैट प्रेपरेशन बिकॉज आप अगर बुक्स पढ़ते हो बहुत टाइम वेस्ट होता है, यू गेट अकस्टम टू द सेम टोन, द सेम स्टाइल ऑफ राइटिंग, एंड दैट इज़ नॉट गुड इनफ। यू हैव टू रीड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑथर्स, यू हैव टू रीड डिफरेंट काइंड ऑफ टोन्स, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, एंड उसके लिए आप शॉर्ट आर्टिकल्स पढ़ो। एंड एक और रिसोर्स है जो मैं शेयर करने वाला हूँ कैट एस्पिरेंट्स के साथ। इन माय टेलीग्राम ग्रुप मैं एवरी वीक कुछ फ्री रीडिंग पैसेजेस शेयर करने वाला हूँ, उनको आप रीड कर सकते हो। डिफरेंट जॉनर के रहेंगे, कैट लेवल के रहेंगे, एंड दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री। आप सिंपली मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर एवरी वीक आपको काइंड ऑफ पैसेजेस मिल जाएंगे दैट यू कैन रीड एट योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट है थ्योरी। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत कम टाइम स्पेंड करो थ्योरी में, बट अगर आपको करना ही है देन आई विल रिकमेंड जीमैट के रिसोर्सेज से प्रिपेयर करो थ्योरी। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का थ्योरी आपको पढ़ना है, जीमैट मैनहट्टन सीरीज़ का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बुक है, बहुत अच्छी है, उसमें से आप थ्योरी पढ़ सकते हो। बट आप अवॉइड भी कर सकते हो ऑनेस्टली थ्योरी पढ़ना, आप बस प्रैक्टिस भी करोगे ना तो आपको पैटर्न्स ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन 6 स्ट्रैटेजीज टू क्रैक एनी आरसी क्वेश्चन, उसमें जितना थ्योरी रिक्वायर्ड है ना ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है थ्योरी वाइज, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। या फिर आप प्रैक्टिस जब करोगे आप खुद का डेफिनेटली पैटर्न्स बनाने ही वाले हो, दैट विल ऑल्सो भी गुड इनफ। बट अगर आपको थ्योरी बुक चाहिए, एज आई सेड जीमैट मैनहट्टन सीरीज़ का बुक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप वो यूज़ कर लेना। इसके बाद प्रैक्टिस रिसोर्सेज, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। एक बुक है RC 99, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा RCs प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको फ्री में इंटरनेट में मिल जाएगा ये बुक, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो बेस्ट रिसोर्स होता है वो होते हैं पास्ट ईयर पेपर्स, आप बस 25 ईयर्स का पास्ट ईयर पेपर्स RC सारे RCs कर लो, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। पास्ट ईयर मॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड आप अगर कोचिंग मटीरियल यूज़ कर रहे हो दैट विल ऑल्सो भी गुड इनफ फॉर प्रैक्टिसिंग RCs। बेसिकली आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सभी रिसोर्सेज अच्छे भी हैं, पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर मॉक्स, कोचिंग मटीरियल, RC 99 का बुक, जीमैट मैनहट्टन सीरीज़ अगर आपने ले लिया है तो वहाँ से भी आप RCs प्रैक्टिस कर सकते हो। सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज फॉर योर प्रैक्टिस। एंड अब आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स में, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड कर देता हूँ कि आपकी वर्बल की स्कोर बस तब इम्प्रूव होने वाली है जब आप RC के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे। इंग्लिश इम्प्रूव करने से वर्बल की स्कोर इम्प्रूव नहीं होने वाली है। येस, आप डेफिनेटली अपना रीडिंग स्पीड इंक्रीज़ करो एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इंक्रीज़ करो, आप कितना फास्ट कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो कोई चीज़ रीड करने के बाद, वो इंपॉर्टेंट है, जो आपका टाइम सेव करेगी। इंग्लिश या फिर वोकैबुलरी सीखने से वो इम्प्रूव नहीं होने वाली। एंड अनदर थिंग टू रिमेंबर बिफोर वी मूव इनटू द मेन कॉन्सेप्ट्स, आपके वर्बल के मॉक स्कोर्स डेफिनेटली फ्लक्चुएट होने वाले हैं। वर्बल के स्कोर स्टेबलाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, टॉपर्स के भी वर्बल के स्कोर्स बहुत फ्लक्चुएट होते थे अक्रॉस मॉक्स। क्वांट एंड LRTI डिफरेंट है, वहाँ पर आप देखोगे यूजली आपके स्कोर्स एक रेंज में स्टेबलाइज होते जाते हैं, मे बी इंक्रीज होते जाते हैं अक्रॉस मंथ्स, बट वर्बल में वो फ्लक्चुएशन रहेगा, सो उससे डरना नहीं है। एंड बिफोर वी मूव अहेड लेट मी ऑल्सो टॉक अबाउट द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो। एंड इंजीनियर्स के लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल है, बिकॉज इंजीनियर्स का जनरली क्वांट तो देखा गया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बट VARC में वो सफ़र करते हैं। सो फॉर ऑल दोज जिनका VARC वीक है, iQuanta ने लॉन्च किया है एक स्पेशल VARC मॉड्यूल विच विल बी अ पार्ट ऑफ देयर लास्ट CAT बैच। एज आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स, VARC इज नॉट अबाउट इंग्लिश बट इट इज़ अबाउट लॉजिक। सो इस मॉड्यूल में आपको वो लॉजिकल वे सिखाया जाएगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसमें आपको मिलेंगे वीडियोज ऑन अंडरस्टैंडिंग टोन, अजम्पशन एंड इन्फ्रेंसेस, 40 जॉनर वाइज RC videos, 7 strategy videos and 60 detailed VA videos with solution, and a total of 60+ videos with 30 hours of VARC niche content. This module will be free for iQuanta 2024 last batch students, which is going to start in July. इस बैच में the syllabus will be completed in 4 months and 2 months का rigorous crash course रहेगा, which is free along with the AI based mock test series. iQuanta से CAT 2023 में 78 out of the 299 percentiles were from their last batch which started in July, so definitely आपके पास बहुत टाइम है। एंड इस बार 2 CAT 100 percentiles in QA and VARC आपके मेंटर भी रहेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, द लिंक टू अप्लाई इज देयर इन माय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन कमेंट, डू चेक इट आउट फ्रॉम देयर। एंड अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स में, एंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू इंटरनलाइज एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली इज प्रिपेयर टू अंडरस्टैंड विच ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। आप अगर वर्बल पेपर में राइट ऑप्शन मार्क करने जाते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल, आप कभी भी एक्यूरेसी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। यू हैव टू रादर प्रिपेयर फॉर आइडेंटिफाइंग द रॉन्ग ऑप्शंस, एंड वो ज़्यादा ईजी होता है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू इम्प्रूव। इसका रीज़न बहुत सिंपल होता है कि आपको रॉन्ग क्वेश्चन के पैटर्न आइडेंटिफाई करने होते हैं, एंड वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना ज़्यादा सिंपल होता है rather than understanding कि कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। मैंने जो वीडियो बनाया था ऑन 6 स्ट्रैटेजीज टू क्रैक एनी RC, उसमें जो 6 स्ट्रैटेजीज है, ऑल द स्ट्रैटेजीज आर अबाउट फाइंडिंग द रॉन्ग ऑप्शन, कि आप कैसे वो रॉन्ग ऑप्शन फाइंड कर सकते हो। एंड जब मैं प्रिपेयर भी कर रहा था, जब भी कोई ऐसा पैटर्न दिखता था मुझे जिससे एक पर्टिकुलर ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है, देन मैं उसको अपने नोटबुक में लिख लेता था। एंड अगर वो पैटर्न रेकरिंग है, अगर वो पैटर्न बार बार अपीयर हो रहा है अक्रॉस डिफरेंट क्वेश्चन, देन आई वुड इंटरनलाइज इट, एंड मैं बहुत बहुत केयरफुल हो जाता था कि वो अगर पैटर्न रहेगा किसी ऑप्शन में, चांसेस है कि वो गलत ही होने वाला है। यहाँ पर आप अगर समझ जाओगे कि पेपर कैसे सेट किया जाता है तो मेरी पॉइंट क्लियर हो जाएगी। अंडरस्टैंड दिस कि जो पैसेज है वो कहीं और से लिया जाता है, एक कोई डिफरेंट ऑथर ने उसको लिखा है एंड कैट में जो पेपर सेट कर रहा है वो उस पैसेज को लेता है एंड दे विल सेट द क्वेश्चंस फॉर दैट। एंड जब वो क्वेश्चंस बनाता है उसको पता है कि एक ऑप्शन उसको सही लिखना है बट दे हैव टू मेक द अदर ऑप्शंस रॉन्ग एज वेल, एंड वो अदर ऑप्शंस को रॉन्ग कैसे करेगा यूजिंग दीज एग्जैक्ट पैटर्न्स। मे बी एक्सट्रीम वर्ड्स डाल देगा, मे बी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बदल देगा, या फिर ऐसा कुछ अननोन फैक्ट डाल देगा वहाँ पर विच इज़ नॉट देयर इन द पैसेज। तो यही कुछ ट्रिक्स होते हैं जो क्वेश्चन पेपर सेटर यूज़ करते हैं टू मेक द ऑप्शंस रॉन्ग। तो आपको वो साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि अगर कोई पेपर सेट कर रहा है तो उसको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट ऑप्शन के साथ साथ बाकी ऑप्शंस को वो गलत बनाए। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ था कि बच्चों ने क्वेश्चन पेपर में जो पैसेज के एक्चुअल ऑथर थे उनको ही मेल कर दिया था, एक्चुअल ऑथर को, एंड रिप्लाई मांगा था कि क्या इनमें से कोई सही ऑप्शन है। ऑथर ने रिप्लाई किया था इनमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, मेन आइडिया का क्वेश्चन था बट आरटीआई भी फाइल किया, कोई डिसीजन बदला नहीं। एंड दैट इज बिकॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर सेटर फाइनल होने वाला है, एंड दैट मीन्स जो उनका राइट आंसर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट हो बट दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद सोचो, इफ़ द क्वेश्चन पेपर सेटर इटसेल्फ इज क्लोजेस्ट टू द करेक्ट आंसर, आप कैसे ढूंढ सकते हो करेक्ट ऑप्शन। एंड ऑब्वियसली जो ईजियर होता है फाइंड करने का कि बाकी ऑप्शंस को उसने क्यों गलत बनाया है, दैट इज द थिंग एंड दैट्स वाई यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट एक मेथड होता है स्किमिंग टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड। मोस्टली बच्चों को आता ही है बट मैं रिमाइंड कर देता हूँ, अगर आप यूज़ नहीं करते तो डेफिनेटली यूज़ करने लग जाओ। तो अगर मान लो एक कोई सेंटेंस है लाइक आई लाइक टू प्ले मैनी स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, अगर इस सेंटेंस को आपको रीड करना है, स्किमिंग मेथड का मतलब होता है कि आप इसको ऐसे रीड करोगे कि आई लाइक टू प्ले मैनी स्पोर्ट्स लाइक दैट इज इट। कोई भी स्पोर्ट आपके दिमाग में रजिस्टर्ड नहीं होगा बिकॉज उससे आप अपना मेंटल कैपेसिटी भी लूज करोगे एंड यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। आपको बस ये याद रखना है कि इस पर्टिकुलर लाइन में ये मेंशन्ड है कि पर्टिकुलर पैसेज में उस ऑथर को कौन से स्पोर्ट्स पसंद है, दैट इज इट। कौन से स्पोर्ट पसंद है वो दिमाग में रखना ज़रूरी नहीं है, वो मेमोराइज करना ज़रूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप वापस आ सकते हो पैसेज में टू रीड दिस पर्टिकुलर लाइन अगेन। सिमिलरली आप कोई नंबर एनकाउंटर करोगे तो उसको भी आपको ऐसे ही इग्नोर करना है, स्किम करना है। इसके साथ आते हैं नेक्स्ट ट्रिक में विच इज़ पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग भी एक बहुत सिंपल ट्रिक होती है। आपको क्या करना है, आप जब भी कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ते हो आपको उसका मेन आइडिया एक लाइन में लिख लेना है। सो अक्रॉस ऑल द पैराग्राफ आप एक लाइन में सबका मेन आइडिया लिख लोगे। आप स्टार्टिंग में डेफिनेटली आप लिख सकते हो अपने कॉपी में विच विल हेल्प यू इम्प्रूव एज वेल, बट बाद में जाते हुए क्या होगा, आप जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे आप इसको दिमाग में ही स्टोर रख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मेन आइडिया का क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है आरसीज में, एंड अगर आप पैराफ्रेजिंग करते हो, मेन आइडिया अच्छे से लिखते हो फॉर एवरी पैराग्राफ, आपका मेन आइडिया का जो एक्यूरेसी है, मेन आइडिया क्वेश्चन की जो एक्यूरेसी है वो तो बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। आपको उसमें तो कोई डिफीट नहीं कर पाएगा बिकॉज आपको हर एक पैराग्राफ का मेन आइडिया पता है। तो ओवरऑल पैसेज का जो मेन आइडिया होता है उसका ही समरी होता है। सो पैराफ्रेजिंग आपको पहले तो इसमें हेल्प करता है एंड साथ ही साथ आप बहुत अच्छा रिटेन कर पाओगे ओवरऑल पैसेज। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको वापस नहीं आना पड़ेगा पैसेज में, एंड ओनली यू हैव टू कम बैक फॉर द स्पेसिफिक एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एंड दैट विल इम्प्रूव द टाइम दैट यू टेक टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज वेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि उनको फिलॉसफी के पैसेजेस नहीं पसंद है, साइकोलॉजी के पैसेजेस नहीं पसंद है। देखो ये पर्टिकुलर जॉनर वाइज आप ये डिफाइन मत करो कि आपको ये पर्टिकुलर जॉनर पसंद नहीं है। जो आपको एक्चुअली पसंद नहीं है वो है राइटिंग स्टाइल। फिलॉसफी एंड जो साइकोलॉजी के पैसेजेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखे जाते हैं जो आपको अनकंफर्टेबल बनाते हैं। बट अगर कैट में ऐसा कोई पैसेज आता है, डू नॉट जस्ट डिस्कार्ड इट बिकॉज वो फिलॉसफी सब्जेक्ट का है, आपको वो रीड करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड। ज़रूरी नहीं है कि वो फिलॉसफर का एग्जैक्ट टेक्स्ट हो सकता है वो किसी का कोई और पर्टिकुलर पर्सन का वर्जन हो अबाउट दैट फिलोसोफर, एंड दैट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू रीड. मे बी राइटिंग स्टाइल इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू रीड, एंड इसलिए जॉनर से आपको डिफाइन मत करो कि आपको कौन से अटैम्प्ट करने हैं आरसीज. रादर रीड द फर्स्ट टू लाइन्स और रीड द मैक्सिमम द फर्स्ट पैराग्राफ. अगर आपको राइटिंग स्टाइल कन्वीनियंट लगता है, मतलब आपको रेस्ट ऑफ द आरसी का भी राइटिंग स्टाइल बहुत कन्वीनियंट लगने वाला है, गो अहेड सॉल्व दैट आरसी. अगर आपको राइटिंग स्टाइल कन्वीनियंट नहीं लगती है फॉर द फर्स्ट टू लाइन्स, इफ़ यू थिंक दैट यू हैव टू रीड दोज टू लाइन्स अगेन, देन उस आरसी को आप इग्नोर कर सकते हो एंड बाद में अटेम्प्ट करने के लिए छोड़ सकते हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आरसी में आपको समझना पड़ेगा कि तीन मेन क्वेश्चंस होते हैं. एक होता है जनरल क्वेश्चंस, क्वेश्चंस लाइक मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द ऑथर, जो आपको पूरा आरसी पढ़ के ओवरऑल आरसी समझ के आंसर करना पड़ेगा. इन क्वेश्चंस के लिए आप वापस आरसी में आओगे तो वो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं करेगी. ये आपको फर्स्ट टाइम रीड करने में ही समझना पड़ेगा मेन आइडिया, टोन क्या है एंड एवरीथिंग, एंड आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे. नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन. दीज आर द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन लाइक वट डज द ऑथर इंटेंट टू से इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. यहाँ पर येस यू कैन कम टू द पैसेज अगेन एंड देन रीड इट अगेन, एंड वहाँ से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो. दैट विल हेल्प यू इंप्रूव योर एक्यूरेसी. नेक्स्ट होता है इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, एंड दीज आर क्वेश्चन लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर. यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पहले तो मेन आइडिया समझना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शंस रीड करने पड़ेंगे एंड उन ऑप्शन से समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन उस मेन आइडिया को स्ट्रेंथन कर रहा है. एंड फॉर दीज क्वेश्चन, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है जहाँ पर प्रॉब्ली आप राइट आंसर फाइंड करने का पहले से ही ट्राई कर सकते हो, बट दीज आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एज वेल, बिकॉज आपको पहले तो जनरल आइडिया, जनरल क्वेश्चन जो है मेन आइडिया वो समझना पड़ेगा. अगर आपने वही गलती कर दी तब तो इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन सॉल्व करना ऐसे ही इम्पॉसिबल हो जाएगा. इसलिए ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट अगेन फॉर दीज क्वेश्चन एज वेल यू शुड नॉट गो बैक टू द पैसेज. ये क्वेश्चन भी आपको वहीं पर आंसर करने हैं. इफ़ यू गो बैक टू द पैसेज वो आपकी एक्यूरेसी नहीं इंप्रूव करेगी. एंड लास्ट टिप फ्रॉम माई साइड इज फोकस ऑन द अटेम्प्ट्स रादर देन एक्यूरेसी फॉर वर्बल पेपर. ये एक टिप है दो जो आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो, खुद के लिए मॉक्स दो, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज से मॉक्स दो, एक बार अटेम्प्ट पे फोकस करो, एक बार एक्यूरेसी पे फोकस करो, एंड ट्राई इट फॉर योर सेल्फ. मुझे लगता है ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा टू वर्क ऑन द अटेम्प्ट्स पार्ट. मेरे लिए तो डेफिनेटली यूजफुल थी, बिकॉज मैंने देखा था 20 क्वेश्चन अगर मैं अटैम्प्ट करता हूँ उसकी भी एक्यूरेसी 75% रहती है. तब 34 क्वेश्चन होते थे मेरे टाइम पे, तो मैं अगर 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँ तब भी एक्यूरेसी अराउंड 70% रहती थी. तो डेफिनेटली आई शुड वर्क ऑन 34 क्वेश्चन. तो ये दिमाग में मेरे बैठा हुआ था कि कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो मैं तो 33-34 क्वेश्चन डेफिनेटली अटैम्प्ट करने वाला हूँ. एंड कैट में इट वर्कड आउट. मैंने ऑब्वियसली ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एंड वहाँ पर एक्यूरेसी भी अच्छी हो गई. सो आई स्कोर्ड 80 out of 102 इन माई वर्बल पेपर. सो दैट इज डेफिनेटली अ स्ट्रैटेजी दैट वर्क फॉर मी. सो ये थे वर्बल के लिए कुछ टिप्स, एंड नेक्स्ट 5-6 वीडियोज जो स्केड्यूल्ड है मेरे चैनल पे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट 2024 एस्पिरेंट्स. नेक्स्ट एक वीडियो स्केड्यूल्ड है जहाँ पर मैं अटेम्प्ट स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ फॉर ऑल 3 सेक्शंस, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बताने वाला हूँ जो डिफरेंट टॉपर्स यूज करते हैं. उनमें से उन ऑल्टरनेटिव्स को पिक करके आपको मॉक्स अटैम्प्ट करने हैं एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर योर सेल्फ. सिमिलर एक वीडियो क्वांट के लिए आएगी, सिमिलर एक वीडियो LRTI के लिए भी आएगी. सो वो जो नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज है दैट इज लाइक द फाइनल पुश फॉर योर कैट 2024 प्रेपरेशन. सो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, बिकॉज नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट 2024 प्रेपरेशन. एंड अगर आप अभी प्रेपरेशन शुरू कर रहे हो और जानना चाहते हो कि 6 months 5 months में आप कैसे प्रिपेयर करोगे फॉर कैट, एक वीडियो मैंने डिटेल वीडियो बनाया था ऑन कैट 6 month स्ट्रैटेजी. आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हो. अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं आपसे वहां मिलता हूं.